नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। ई टैक्सी के लिए सरकार ने बदले नियम, आवेदनकर्ता का 12वीं पास होना किया गया अनिवार्य। 680 करोड़ की राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी के लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता तय की है। आवेदनकर्ता का 12वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। यदि आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई है तो इस सूरत में उसके पास वाहन चलाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यदि ये अनुभव भी नहीं है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। ये एक नया क्लॉज इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, लोगों में जगी व्हाइट क्रिसमस की आस, ऊंचाइयों में बर्फबारी की संभावना। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ जगह हल्के बादल छाए रहेंगे। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शिमला में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा। कई क्षेत्रों में बादल छाने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को शिमला सहित चंबा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मौसम के बदले तेवरों के बीच काफी पर्यटक प्रदेश में पहुंच रहे हैं। फंसल की बिगड़ी कानून व्यवस्था को हमने सुधारा, सीएम सुक्खू ने बोली बड़ी बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के अपराध दर राष्ट्रीय अपराध दर से काफी कम है। 5 साल से बिगड़ी कानून व्यवस्था को हमने सुधारा है। ट्रैफिक चलान पर राष्ट्रीय स्तर की दर 82% जबकि हिमाचल में 87% है। महिलाओं व बुजुर्गो से अपराध कम हुआ है। आत्महत्या के मामलों में 27% की कमी आई है। पुलिस चौकी व थानों में भी सुधार कर व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। पुलिस चौकियों व थानों में भी सुधार करेंगे व्यवस्था परिवर्तन। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्प है। सुक्खू नियम 130 के तहत विधायक विपिन परमार की ओर से सदन में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लाई गई चर्चा के जवाब में बोल रही थी। सुक्खू ने बताया कि पूर्व उद्योग मंत्री ने लकड़ी के अवैध काम की सूचना दी तो बड़ी कार्यवाही की। 10 से 15 ट्रक गगरेज में पकड़े, जबकि कोई वरिष्ठ विधायक सूचना दे तो तुरंत कार्यवाही करते हैं। सरकारी विभागों में 6 माह तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक, 44,000 करोड़ से जुड़ा है मामला। आगामी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर विकास कार्यों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। इसी कड़ी में सरकारी विभागों में अगले 6 माह के लिए क्रामिकों की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव क्रामिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली की ओर से शुक्रवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए 3-4 माह का समय शेष रह गया है। ऐसे में चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लगने से सरकार को विकास कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में समय कम मिल पाएगा। यही नहीं, सरकार ने हाल ही में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर करार दिया है।